student. Now we are doing question number 6, 7, 8, 9, 10. Find the values of trigonometric function in exercise 6 to 10. In previous video I told you how you will write sine 360 plus theta or sine cos 360 plus theta or 360 minus theta is tarike ke ratios. तो अब जैसे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765, तो साइन 765 कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा कंप्लीट 360 हो गया वन राउंड, उसके बाद ये पूरा सेकंड राउंड करेंगे तो 720 में कितना ऐड करेंगे कि 765 आ जाए, 45 ऐड करेंगे तो लिख दिया 720 प्लस 45 यानी दो कंप्लीट रोटेशन और प्लस 45, तो साइन 720 को लिखा है 2 into 360 plus 45. 360 में क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो रेशियोस पढ़े हैं वो 360, 180, 270 और 90 में पढ़े हैं, तो इसमें 360 plus theta, 360 plus theta देख रहे होंगे आप कौन से quadrant में मूव कर गया, first quadrant में मूव कर गया, तो first quadrant में sin कैसा होता है, plus का होता है क्योंकि 6 के 6 रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, उसके बाद साइन हो गया आपका रेशियो सेम ऐसे ही आ जाएगा और कैसा आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 360 का केस है इसलिए बन गया साइन, साइन ही रहा और एंगल क्या है 45, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये आपने टेबल से लर्न करनी है, ओके। उसके बाद कोसेक -1410 है, तो माइनस साइन बाहर निकाल देंगे इसका, कोसेक 1410 डिग्री, अब 1410 कितने राउंड होंगे उसकी, तो ये देखिएगा पहला राउंड कंप्लीट किया यहाँ पे, दूसरा राउंड आया ये कंप्लीट हुआ, तीसरा राउंड आया ये कंप्लीट हुआ, फोर्थ राउंड ये कंप्लीट हुआ, फोर्थ राउंड जो कंप्लीट हो रहा है 1440, 360 इनटू 4 क्या होता है 1440 होता है, बट हमें कितना चाहिए 1410, तो क्या करना पड़ेगा उसमें से 1440 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, ठीक है, तो लिख गया इसको देखो cosec 1440 माइनस 30 cos माइनस cosec 4 इनटू 360 माइनस 30, अब 360 माइनस 30 ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोसेक का केस है ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस का आएगा फिर से, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 का केस है, तो कोसेक 3 ये आएगा 30 डिग्री क्योंकि थीटा के प्लेस में कितना है 30 डिग्री, तो कोसेक 30 हो गया, कोसेक 30 वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आ गया आपका रेडियन में दे रखी है, तो डिग्री में दे रखे थे सीधे ठीक है, उसके बाद आप रेडियन में, रेडियन में इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, देखो 19 पाई बाई 3 है 10, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 6 18, तो 6 पाई गया ही, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 एलसीएम लेके देखो पूरा 19 पाई बाई 3 बन जाएगा, अब 6 पाई है जबकि 2 पाई का एक रोटेशन होता है ठीक है, तो उसको लिख दिया हमने 10 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, अब 2 पाई प्लस पाई बाई 3 आ रहा है यहाँ पे ठीक है, यानी 360 प्लस थीटा, जब 360 प्लस थीटा चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव, तो प्लस का साइन आ गया सीधे सीधे ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, केस किसका है 360 का, 360 में रेशियो चेंज नहीं होगा, तो 10 10 ही रहेगा और थीटा के प्लेस में क्या पाई बाई 3, पाई बाई 3 हो गया, पाई की जगह हम वाली टी रख करके सॉल्व कर देंगे तो कितना आ गया 60, तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद साइन माइनस 11 पाई बाई 3 है, तो इसका माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा ओके, तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3 और माइनस साइन, अब 11 पाई बाई 3 है तो 11 पाई बाई 3 को लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3, देखो 3 को जब 12 में से बन जाएगा तो मिले बचेगा 11 पाई बाई 3, तो इसको ऐसे लिख दिया हमने 4 पाई का मतलब हो गया 2 इंटू 2 पाई, लिख दिया माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, अब 360 माइनस थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है 360 माइनस थीटा, यानी कौन सा केस हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब साइन साइन में रहेगा क्योंकि 360 का केस है, अब थीटा के प्लेस में पाई बाय 3 तो लिख दिया साइन पाई बाय 3, तो ये बन गया साइन 60 और साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, ये लिख दिया। उसके बाद आता है कॉट माइनस 15/π/4, तो माइनस साइन से बाहर निकाल दिया इसका, कॉट 4π माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉट 4π को लिखा 2 इंटू 2π माइनस पाई बाय 4, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है आपका फोर्थ, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा, कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस हो गया, रेशियो चेंज नहीं होगा, कोट है तो कोट में रहेगा, कोट पाई बाय 4 और ये कितना बन गया कोट 45, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आपने देखा अगर आपको टेबल्स लर्न दी इसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंगल लर्न थे और रेशियो लर्न थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा एक लेक्चर दिया था उसमें,
ठीक है, पूरा एक बना करके दिए थे मैंने सारी चीजें, ये तो आप उसको लर्न करेंगे, उसके बाद ये करेंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।